हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और हम यहाँ पे लगा रहे हैं जल्दी जल्दी से झाड़ू, क्योंकि सूर्य भगवान ना निकल आए उससे पहले ही हम सोच रहे हैं झाड़ू लग जाए हमारी। थोड़ा सा उठने में लेट हो गया क्योंकि 5 बजे का अलार्म लगाया था, पर उठते उठते 5:20 हो गए हैं। तो हमारी झाड़ू लग चुकी है और अभी सूर्य भगवान नहीं निकले थे लेकिन निकलने लगे हैं। और उसके बाद हमने रख दिया है यहाँ पर चाय सबके लिए और मम्मी ने पानी गर्म किया था तो वही पी रहे हैं, गुनगुना पानी। खाई ये खत्म मीठी का बाल है ये। तो चाय बनाने के बाद में हम चले आए थे छत में और थोड़ा सा टहलने के लिए, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और यहाँ पे हमारी मीठी पहले से ही खेल रही थी, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह छत पे आओ ना तो एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है और मीठी को बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग देख ही सकते हो। जो नज़ारा है ना, पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खास सुबह का ही पल होता है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम नीचे आए, यहाँ पे हमने पिया चाय और मम्मी भी लगी हुई थी बर्तन साफ़ करने में। और आज ना बहुत सारा काम है, मतलब एक ही दिन में बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। और दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत लेट हो रहा है क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो के लिए। पूरी कोशिश कर रहे थे कि वीडियो डाल दे, पर क्या हो रहा था, नहीं डाल पा रहे थे। और आज हमको कहीं जाना भी है तो भाई रक्षाबंधन है, उसी की शॉपिंग करने के लिए जाना है। और यहाँ पर हमने बनाए थे पराठे। तो दोस्तों, अभी हम तैयार हो चुके हैं, हमने ये वाला जीन्स और ये टॉप पहना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को तो लेट हो गया है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे गांव में उतनी बारिश नहीं हुई लेकिन जब हम और आगे आए हैं ना तो रोड में इतना पानी भरा हुआ था, यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई थी, जबकि हमारे घर से बहुत पास में ही है ये वाला गाँव। और दोस्तों, रास्ते में फिर से काले काले बादल ने घेर लिया है और एकदम ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो जाए, बिल्कुल ऐसा शाम सी लगने लगी है। जबकि अभी टाइम हो रहा था शायद 1 या 1:30 बज रहा था और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो रही हो। तो हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे क्योंकि अगर बारिश होने लगी तो फिर यहाँ पर रुकना पड़ेगा और फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और अभी हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले हमको ये दुकान मिली जो कि पेड़ बेच रहे थे, तो सोच रहे थे हम लोग कि ले लें, पर उनसे ही हम लोग ले गए थे पिछली बार तो उतना अच्छा हमको नहीं लगे थे तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं लिया। फिर हमको दिख गई ककड़ी, तो ककड़ी ले लिया था और मीठी भी इंतज़ार किया करती कि उसके लिए हम क्या लाए हैं, तो ककड़ी ले लिया है, उसको भी देंगे घर चल के। और यहाँ पर आ गए हैं किराने की दुकान पर और किराने की दुकान में इतनी भीड़ थी, त्यौहार है ना तो हर दुकानों में भीड़ ही नज़र आ रही थी। और उसके बाद आ गए हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे, तो यहाँ पे नेल पेंट देख रहे थे और फिर मेहंदी भी लेना है, तो ये लाइट कलर की नेल पेंट हमको बहुत अच्छी लग रही थी, पर फिर हमने सोचा कि ऐसा लेते हैं जो कि मम्मी भी लगा सके, क्योंकि ऐसी नेल पेंट हम लेके जाते हैं तो वो नहीं लगा पाती हैं, तो इसीलिए हम सोच रहे थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर से कलर थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ले लें, हमको सारे ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये जो लाइट कलर वाले हैं ना वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे और ग्रे कलर वाली भी थी वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो हम काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे कि कौन सा लें। फिर हमको ना मतलब दो समझ में आ रही थी तो फिर मैंने एक लिया, मैंने सोचा कि मम्मी भी लगा लेंगी और हम भी लगा लेंगे। तो इसी तरीके से फिर नेल पेंट लिया और ये हमें ना भगवान जी की मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही थी तो हम सोच रहे हैं जन्माष्टमी को ले ले। ये है 30 रुपए की लेडीज वाली, उधर लगी है ये 50 रुपए की राखी ने। और उसके बाद हम देख रहे हैं राखियाँ, तो इन्हीं के दुकान पे राखियाँ भी मिल रही थी तो वही हम भी देख रहे हैं कि कौन सी ले लेते हैं। ये वाली राखी हमको काफ़ी अच्छी लगी, ब्रेसलेट की जैसी थी, ओम लिखा हुआ था।
और अब ना राखियाँ इतनी सुंदर सुंदर सी आने लगती हैं कि बच्चों की जो राखियाँ होती है ना बहुत अच्छी लगती है। किसी पे छोटा भीम बना हुआ है तो किसी पे घड़ी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी थी। और रोड पे इतनी भीड़ थी, आज दुकानों में भी जगह नहीं थी कि कुछ सामान ले सके। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चौराहे पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं सब्जी वगैरह भी लेनी है। तो इतना जाम लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। और त्योहारों की वजह से हर चीज़ क्या, ये उन्होंने सब्जियां भी महंगी कर दिया है। तो अभी तक जो अरबी थी वो 40 में देते थे और आज भी 50 की बता रहे थे। और दोस्तों अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ सजी हुई दुकानें मिठाइयों की और राखियों की, तो राखियां देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। देखिए कैसे सजी हुई हैं, बहुत सारी दुकानें हैं राखियों की। एक किलो रसगुल्ला भर दो, एक किलो रसगुल्ला। और दोस्तों इस बार रक्षाबंधन पे हम कोई भी मिठाई घर पे नहीं बना पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया है। और एक मिठाई है जो कि हमने शेयर किया हुआ है इसी वीडियो में आगे, तो वो हमने बनाया हुआ था क्योंकि मन करता है ना त्यौहार में कुछ ना कुछ तो घर पर ज़रूर बनाएं, चाहे हम कितना भी खरीद के ले आएँ। और उसके बाद हमको दिख गया कलाकंद, तो वो भी हमने लिया था। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा रसगुल्ला पसंद किया जाता है, तो रसगुल्ले भी ले लिए हैं वगैरह, जो भी लेना है तो वो लेते हैं। और फिर घर चल के आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन सी मिठाइयाँ लिया हुआ है। और यहाँ पे भैया ने खाने के लिए दिया था, बोल रहे थे खा के देखो कैसी है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये मिठाई ले लिया था और बहुत अच्छा टेस्ट था। कलाकंद वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अब तक नहीं किया है तो। और अगर आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलते रहें। और अभी हमने जो ख़रीदारी की है वो हो चुकी है, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा है, थोड़ा बहुत ही है। तो घर चल करके आपको दिखाएँगे कि हमने क्या क्या रक्षाबंधन की तैयारियाँ की हैं। और आप सब भी बताना कि आपने इस त्यौहार को कैसे मनाया है। ओले मीठी, ये देखो चिज्जी ले आए ककड़ी मीठी के लिए, खा लो। और उसके बाद यहाँ पर हम मिठाइयाँ वगैरह निकाल करके रख दे रहे हैं। और अभी लाइट तो आ नहीं रही थी क्योंकि बारिश जहाँ थोड़ी सी ही होती है ना वैसे ही लाइट जो है चली जाती है, तो बहुत गर्मी भी लग रही थी और धूप भी निकल आई थी, इतना बारिश का मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुई और धूप आ गई। तेरा तो तुम्हारे इतनी सारी मिठाई लेके आए, बहुत बढ़िया। तो अभी ये सारी मिठाइयाँ तो हम रख देते हैं, इनको हम राखी बांधेंगे तो फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर खिलाएंगे। और यहाँ पे जो कलाकंद था उसका भोग लगा देते हैं और उसके बाद फिर सबको टेस्ट कराते हैं। तो दोस्तों इस बार घर पे दूध नहीं था तो इसीलिए कोई भी मिठाई हम नहीं बना पाए हैं, और मिठाइयाँ तो दूध से ही बनती हैं। वैसे कुछ सोचा था हमने बालू साय वगैरह बना लेते पर नहीं बना पाए। और उसके बाद हम लग गए हैं मेहंदी लगवाने में, तो कल है रक्षाबंधन तो उसी की तैयारी हो रही है। और गांव की है ये जो मेहंदी लगा रही हैं, तो ये देखिए कितनी सुंदर सी मेहंदी लगाई है। ये हम आपको पूरा जब मेहंदी लग जाएगी ना तब हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए अम्मा मम्मी सब लोग देख रहे थे कि कैसी मेहंदी लग रही है, और आप सब भी बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी। तो दोस्तों हमारी मेहंदी लग गई है और आप लोग बताना कमेंट में कि कैसे लगी हमारी मेहंदी, और ये लग जाएगी तब फिर कल आपको हम दिखाएंगे।
और दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने खाना बना लिया था तो सब लोग खा रहे थे और मम्मी हमें हाथ से खिला रही थी। और सही कहते हैं ना कि माँ के हाथों में जो खाना होता है ना उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मम्मी आज हमको खिला रही थी जैसे बचपन में खिलाती थी। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं मेहंदी, तो हमने नेल पेंट भी लगा लिया, ये वाली जो कलर की नेल पेंट लाए थे अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको ना ऐसे भर भर के हाथों में मेहंदी लगवाने का मन था। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सी लग रही थी और सूख गई है ना, काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 घंटे हो गए थे इसको लगाए हुए। और दोस्तों ये है वीडियो एक दिन पहले का, इसको हम आप लोगों के साथ में अब हम शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये मिठाई बनाया हुआ था, तो ये क्लिप है जो कि आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं। ये मिठाई हमने रक्षाबंधन से मतलब जब हम शॉपिंग करने के लिए गए थे ना उसके एक दिन पहले हमने बनाया था। तो ये हमने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर जो रखा हुआ था आइसक्रीम में डालने के लिए लाए थे, तो सोचा चलो इसका ही बना लेते हैं कुछ। तो 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को नॉर्मल दूध के साथ में घोल के इसमें डाल दिया, दूध भी अच्छे से हम गाढ़ा कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया है हमने चीनी, तो बहुत टेस्टी मिठाई इसकी बनी हुई थी। और वैसे भी कस्टर्ड पाउडर से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खीर में, आइसक्रीम में, और आज हमने मिठाई भी बना लिया है। तो इसमें हमने चीनी डाल दिया था, उसके बाद में इलायची का पाउडर डाल दिया है और उसके बाद इसको हम अच्छे से और गाढ़ा कर लेते हैं। तो जब पूरा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तभी हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। तो ये ना थोड़ा सा चिपकता ज़्यादा है कस्टर्ड पाउडर, आप लोगों को तो पता ही है। और उसके बाद नारियल का बुरादा रखा हुआ था जो हम आइसक्रीम के लिए लाए थे ना, वही सारी चीज़ें बची हुई थी, तो सोचा कि इनको हम बना लेते हैं क्योंकि आइसक्रीम का काम तो अब ख़त्म हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है, और कस्टर्ड पाउडर कुछ ऐसा ही होता है ना, तो बस ऐसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर हमने इसको चिमने के लिए रख दिया है प्लेट में, और इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं। थोड़ा सा घी भी लगा दिया था हमने इसमें, और उसके बाद अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको सजा लीजिए। और इसको रख दिया है 7-8 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और हम उधर बर्फ़ी बना रहे थे और इधर चल रही थी बारिश, तो यहाँ पे देखिए अभी तो रुक गई है लेकिन जब तक हम बना रहे थे ना तब तक उधर हो रही थी। और उसके बाद हमने बना लिया है यहाँ पे खाना, तो दाल रख दिया उधर इंडक्शन पे तो वो बन चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर बन गई हैं हमारी रोटियाँ, और चावल हमारे बन ही चुके हैं। तो अम्मा हमारे पंखा चला रही थी क्योंकि बहुत गर्मी लगा करती है, और उधर मम्मी अपना आटा वगैरह चाल रही थी क्योंकि त्योहारों पे सारी यही तैयारियां चल रही हैं। भी बताना कि आप लोगों ने इस त्योहार में कौन कौन सी मिठाइयां बनाई हैं, क्योंकि त्योहारों में सब लोग अलग अलग तरीके की मिठाइयां बनाते हैं और मनाते हैं। तो आप सब भी बताना कि आपने घर पे कौन कौन सी मिठाइयां बनाई। और उसके बाद दोस्तों दोपहर में यहाँ पर पूरा घर लगा हुआ है मंदिर की सफाई में, और हम लोग उधर मंदिर साफ कर रहे थे, भगवान जी की फोटो साफ की जा रही थी, और इधर पापा भगवान जी के बर्तन लगे हुए थे चमकाने में, बोल रहे थे कि आज हम इनको चमकाते, तुम लोग उतना अच्छा नहीं चमका पाते हो। तो आज पापा ने पीताम्बरी से इनको खूब अच्छे से चमका दिया, और सच में देख सकते हो बिल्कुल नए जैसे बर्तन चमकने लगे हैं। और उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है वो भी साफ कर दिया, हमारा मंदिर अच्छे से साफ हो गया है। और पूरा वीडियो अच्छे से नहीं बना पाए थे क्योंकि सामान इतना ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ था ना, पूजा की ये भी सब साफ किया, देखिए पेपर हटा करके दूसरे पेपर डाल दिए हैं और अच्छे से साफ कर दिए देखिए। और इधर ना कपड़े रखे हुए हैं तो कल इनको धुलेंगे, ये देखो कपड़े और माला वगैरह सारी रखी हैं। और ये बैग भी हमने सही कर दिया देखिए, अभी ना कुछ डिब्बे जो थे पुराने हो गए थे, खाली हो गए थे, उनको रख दिया धुलने के लिए, तो धुल जाएंगे। उसके बाद ये देखिए हवन सामग्री वगैरह है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें भरना है इनको, अच्छे से साफ़ हो गया देखिए। और इधर रैक है ना कपड़े वाला, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। कपड़ा वाला है ना इसको ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अभी उस दिन हमने साफ, ये घर की बनी हुई मिठाई को काटते हैं और आप सबको भी खिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बनाई हुई मिठाई तैयार हो चुकी है, और अपने हाथ से कोई मिठाई बनाओ ना तो ज़्यादा ही खुशी होती है। तो यहाँ पे चलिए इसको कट करते हैं और आप सबको भी खिलाते हैं। गोपाल ने खा लिया है, उनको बहुत अच्छी लगी, और आप सब भी देखिए खाकर और बताइए कि कैसी लगी है। ये लीजिए, बहुत टेस्टी बनी है खाने में। और
दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में। जहाँ तक मेरे वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।